कदम बढ़ाओ, के साथ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वनुक तान मे जिंदगी मे आज गोडनिक लट युत डी एस पी साहब वुचमुत बथि कि जन लूक असल पा समझे तो असल पा सेश घरों को देखने वाले हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते हम आपको कोई तकलीफ दें या किसी भी तरीके से आपको सताएं। न हम आपको सताने वाले हैं, न कुछ ऐसा कुछ है हमारे। ठीक है, रास्ता भी श्रीनगर को जाता है, ये रास्ता भी श्रीनगर को जाता है। मुरन चौक या मुरन चौक के आसपास जो भी रास्ता वहां से जाता है, ये आपको खुद सोचना चाहिए। इसमें आपको खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो रास्ता बंद रहना चाहिए कि खुला रहे। ठीक है ना, कम से कम इतना खुला रहे, अगर कोई गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती वो दूसरी गाड़ी को जल्दी साइड दे दे और निकल जाए। और ये रेडियो वालों की वजह से या किसी ऑटो वाले की वजह से, आप तरीके से देखो, पुराने अड्डे में, नए अड्डे में, कहीं पे भी, जहाँ कहीं पे भी बैठने की जगह है, जहाँ पे कोई रुकावट पैदा नहीं होती ट्रैफिक में आने जाने में, बड़े ढंग से बैठो, तरीके से बैठो, तमीज से बैठो, आपका काम भी चलेगा, किसी दूसरे का काम। अपनी जो छोटी छोटी ये जो शिकायतें आपने रखी, ये जेन्युइन शिकायतें हैं। इसमें मैं भी समझता हूँ कि सचमुच में गलत हो रहा है, अगर आप भी फील कर रहे हैं सचमुच में फिर गलत। ठीक है ना, बाकी नंबर मैंने दे दिया, अगर कुछ किसी किस्म की भी कोई जरूरत होगी या कोई ऐसा कुछ गुंडागर्दी कोई आके करता है, पैसा कोई मांगता है, कुछ करता है कोई, वो डीएसपी साहब ढंग से बैठेंगे, मैं ये समझूंगा कि वो सबसे बड़ी इज्जत है। और मुझे क्या, ये कानून की इज्जत है, जब कानून की इज्जत हो आप में साहबन कर असल नसीहत करन, दुपन सियोद बिहू मे तक ये मत तु गरीब तुल पाप नफर तुम करू कम तुम बिहू साइडस असल पा जान बाकी नज रटन वे साइड दमो रोड से थवन यल बाकी न। पुलिस को आज ये ख्याल नहीं आया, पुलिस को हमेशा इस चीज़ का एहसास है और हमेशा से पुलिस इस पर काम करती आई है। लेकिन आप जानते हैं कि पुलिस अकेले इसमें स्टेक होल्डर नहीं है, इसमें म्यूनसिपलिटी भी है, इसमें खुद ये जो रेडे वाले हैं या जो कारोबारी तबका है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इसी तरह से इसमें आम लोग भी हैं, आम से लेकर खास तक हर कोई इसमें स्टेक होल्डर है। आप जानते हैं कि यहाँ मार्केट में बहुत कम स्पेस है, अगर इसमें शाम को एक बड़ी गाड़ी आ जाती है तो पूरा मार्केट जैम हो जाता है, या कहीं पर अगर कहीं रास्ते में रेडा होता है या कहीं ऑटो होता है तो ऑटो या रेडा रास्ते में आने की वजह से एक बड़ी रुकावट पैदा हो जाती है, तो काफ़ी वक्त तक जाम रह जाता है और वहाँ से जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाए जाए। रिएक्टिव वाला जो काम है, रिएक्शन वाला काम, इसमें आप देखते हैं कि रिसेंटली ये लोग, इन लोगों की भी कुछ शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो जेन्युइन शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो जेन्युइन नहीं हैं। तो हमने ये अपनी जगह पे वर्कआउट किया कि हम क्यों ना इनको बुलाएं, इनके साथ बात ही आमने सामने हो जाए, इनको भी हम सुन लें, हम अपनी भी इनको सुना लेंगे और इनके सामने पूरा ये सीन रख लेंगे, तो तभी जाके कोई ना कोई हल निकल आए। चनाचा ये एक गरीब तबका है, आप जानते हैं, अगर हम कहीं पे रेट लगाते हैं मार्केट में, इनका कोई नुकसान हो जाता है, कुछ हो जाए, वो भी ठीक चीज़ नहीं है, वो भी ठीक बात नहीं है। तो बड़ा ज़रूरी है कि इस गरीब तबके को तरीके से समझा के इनके अपने काम से मुतलिक, इनके काम की वजह से कहाँ कहाँ पे मुश्किलात पैदा होती हैं और इनको कैसे काम अपना करना चाहिए, कौन सा तरीका करना चाहिए, कौन सी तमीज़ रखनी चाहिए, ताकि ट्रैफिक जाम भी ना हो, किसी के चलने फिरने में कोई परेशानी ना हो, कोई वो ऐसा इनडिसप्लिन ना हो जिसकी वजह से पूरा शह भी लुक आ जाता है मार्केट में। तो ये समझ के, ये सोच के हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट, जो अपना जो डिस्ट्रिक्ट हेड हैं एसएसपी पुलवामा, इनके साथ जब बात हो गई तो इन्होंने कहा कि आप इनके साथ बात कर लो, हर किसी स्टेक होल्डर के साथ बात कर लो। तो हमने आज इसी सिलसिले के तहत बात इनके साथ की, ये दूसरी एक जमात थी, कल हमने इसे कबल हमने कल ये जो ऑटो वाले हैं उनके साथ बात की, उनको भी बात ऐसे समझाई, उन्होंने एग्री किया कि हमें क्या क्या करना चाहिए और कहाँ कहाँ पे हमारी गलतियाँ हैं, हम ये सुधार लेंगे।